म्यूजिक से जुड़ी आगे आने वाली सारी वीडियोस को देखने के लिए मेरा यूट्यूबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाते समय सेलेक्ट करें ऑल नोटिफिकेशन, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो हम लोग जानने वाले हैं, आप चाहो निंडो 4 इस्तेमाल कर रहे हो या फिर QS5, दोनों के अंदर आप इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हो सारी कुछ जो भी मैं बताने वाला हूँ। तो इसमें बेसिकली मैं रिदम बताऊंगा किस तरीके से बनता है और पूरा बीट किस तरीके से बन पाता है म्यूज़िक का, वो सारी पूरी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियोज़ में आपको क्लियर करूंगा। और आगे आने वाले वीडियोज़ में म्यूजिक से जुड़ी, जैसे कि म्यूज़िक का पूरा फुल ट्रैक कैसे बनाया जाता है निंडो 4 के अंदर या फिर QS5 के अंदर, उनसे अच्छी चीज़ें के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर QS5 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहो तो निंडो 4 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जो मैं यहाँ पे प्रोसेस कर रहा हूँ यही प्रोसेस आप वहाँ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा और निंडो 4 में आपको न्यू प्रोजेक्ट पे सिलेक्ट करके एक प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। उस पर आपको करना क्या है, राइट क्लिक करना है, ऐड इंस्ट्रूमेंट ट्रैक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नो VST इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट है, यहाँ पे आपको इस तरीके से स्टाइलस RMX सेलेक्ट करना है। यहाँ देखो 1 है, अगर आप चाहो तो 2, 3 या फिर जितनी भी ट्रैक डालना है, जैसे कि मैं यहाँ पे 10 ट्रैक डाल देता हूँ। और 10 ट्रैक डालने के बाद इस तरीके से आप ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे 10 ट्रैक जो हमारा स्टाइलस RMX का आ जाएगा। और इस वीडियोज में हम पूरा कवर करने वाले हैं किस तरीके से आप बना सकते हो बीट रिदम, पूरा रिदम का काम हम इसी वीडियोज में सीखने वाले हैं। तो उसके बाद देखो यहाँ पे 10 ट्रैक आ चुका है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 10 यहाँ तक देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 1 पे आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप स्टाइलस RMX को इंस्टॉल करोगे तो आपके पास सबसे पहले इस तरीके का इंटरफेस रहेगा और ऐसे इंस्ट्रूमेंट जब सेलेक्ट करने के लिए आएगा तो यहाँ देखो एक एडिट इंस्ट्रूमेंट का, जहाँ मेरा माउस का कर्सर है यहाँ पे एडिट इंस्ट्रूमेंट करके है, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये जो हमारा स्टाइलस RMX ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस रहेगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, देखो मेरा माउस कर्सर कहाँ पे है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इधर से इजी दिखेगा और इधर से एक फाइल लाइब्रेरी दिखेगा, तो इस फाइल लाइब्रेरी पे आपको क्लिक करना है। देखो मेरा माउस कर्सर कहाँ है, इस पर क्लिक करना है आपको। और बाय डिफ़ॉल्ट मैंने अभी इसके अंदर कोई भी लूप नहीं डाला हुआ है, तो हम चेक करते हैं। अभी मैं इसमें लूप भी डालूंगा और पूरी सारी चीज़ें लाइव आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से स्टाइलस RMX के अंदर लूप बनाया जाता है या फिर डाला जाता है, जो भी होगा हर एक चीज़ करेंगे, यानी कि रिदम का जो भी काम होगा हम इसी वीडियोज़ में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे कोर लाइब्रेरी है, एक यूज़र फेवरेट है, तो हम यूज़र फेवरेट को सिलेक्ट करते हैं और इसके अंदर देखते हैं ये हिप हॉप सिलेक्ट करके थोड़ी सी हम आवाज़ डालते हैं। तो इसमें आवाज ही नहीं है ज्यादा, सही है, इसमें ज्यादा आवाज नहीं आ रहा है। दूसरा सिलेक्ट करके देखते हैं, एक मिनट, नहीं आ रहा है ज्यादा आवाज। तो एक काम कर सकते हैं, हम कोर लाइब्रेरी में जाते हैं और डिफॉल्ट के अंदर ये वाला सिलेक्ट करते हैं और इसमें देखते आवाज है या नहीं। हाँ तो ये हमारा सही है। देखो यहाँ यूज़र फेवरेट के अंदर जो हमारे पास एक ऑलरेडी जो इसके अंदर इंसर्टेड रहता है, जो हमारे इसके अंदर ऑलरेडी मिलता है, उसके अंदर कोर लाइब्रेरी में हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा साउंड वाली है। तो यहाँ पे देखो कोर लाइब्रेरी है, क्लासिक स्टाइलस है, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं, आप ट्राई करते रहना। मैं बेसिकली आपको रिदम बना के दिखाऊंगा। यहाँ पे नॉर्मली जो आपको मिलता है वो किस तरीके का मिलता है आप देखो। सबसे पहले ये देखो, एक तो ये हमारा हो गया, दूसरा मतलब अगर आप चाहो तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो मिलता है, जो भी इसके अंदर लाइब्रेरी आपको मिलेगी, मैंने हर एक को चेक करा हुआ है ऑलरेडी। ये देखो हाई हैट्स है, इसको चेक कर लेते हैं मिनट, ये थोड़ा बहुत काम कर जाएगा, बट काम कर जाएगा थोड़ा बहुत, बट इसके अंदर जितने भी हमारे पास ऑलरेडी इसके अंदर इंसर्टेड रहते हैं, एक से भी आप नहीं बना सकते हो कोई भी। मान के चलो अगर आपको रिधम तैयार करना हो हिंदी म्यूज़िक का या फिर भोजपुरी म्यूज़िक का या फिर हरियाणी, जो भी आपके लैंग्वेज है वो भी इंडिया में जो भी सॉन्ग्स बनते हैं, अगर आप तैयार करना चाहो उनका रिधम,
तो इनसे नहीं कर सकते हो, जो हमारे इसके अंदर ऑलरेडी आता है स्टेलस आरमैक्स के अंदर लूप्स, ठीक है, इसके अंदर देख सकते हो ये हमारे पास जो है, अगर आप इनसे करना चाहो तो नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए बेसिकली करना क्या पड़ता है आपको, इसके अंदर लूप डालना पड़ता है, यानी कि लूप कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, या फिर लूप खुद से भी आप बना सकते हो। तो हम यहाँ पे लूप बनाएंगे नहीं, और मैं बता दूँ अगर आपको लूप बनाना हो तो किस तरीके से बना सकते हो वो भी बताता हूँ, और यहाँ पे पूरा रिदम का काम करेंगे। तो वीडियो बिना स्किप किए शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हमने QS5 को कट करा, अभी कट होने में कुछ टाइम लग रहा है, कट हो चुका है। और अगर आपको इसके अंदर लूप खुद से तैयार करना हो स्टेलस आरमैक्स के अंदर, तो आप एक काम कर सकते हो, स्टेलस आरमैक्स एक रिसाइकिल बिन रिसाइकिल करके आता है, एक सॉफ्टवेयर आता है, उसको आप नॉर्मली FL स्टूडियो से जो भी बीट बनाओगे उसको रिसाइकिल में डाल के, और फिर उसको अपने फॉर्मेट को चेंज करके वेब फॉर्मेट में डाल के, और फिर उसको स्टेलस के अंदर डाल के, स्टेलस RMX सेक कन्वर्टर के अंदर डाल के यहाँ पे इंपोर्ट कर दोगे, तो वो हमारा जितना भी आपके पास रहेगा वेब वर्जन, वेब फाइल जो आपने तैयार किया रहेगा, वो ऑटोमेटिकली स्टेलस RMX में आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम उसको नहीं देखने वाले हैं, यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करेंगे जो हमारे पास लूप ऑलरेडी तैयार है उसको इसके अंदर डालेंगे स्टेलस RMX के अंदर, और फिर उनको हम रिधम बना के देखेंगे किस तरीके से बन पाता है। तो सबसे पहले आपको सी ड्राइव यहाँ ओपन है देख सकते हो, और यहाँ पे हमारे पास एक और ड्राइव है। तो सबसे पहले हम कहाँ पे पेस्ट करेंगे ये देखना है। तो पेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको सी ड्राइव में जाना पड़ेगा, और सी ड्राइव के अंदर एक प्रोग्राम फाइल दिख रहा है यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ प्रोग्राम फाइल दो दिखता है, एक x86 और एक प्रोग्राम फाइल, ठीक है। तो आपको ओपन करना है प्रोग्राम फाइल। प्रोग्राम फाइल ओपन करने के बाद यहाँ देखो बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बट घबराना नहीं है, यहाँ पे आपको एक्सपर्ट सोनिक करके ऐसा मिल जाएगा, इसको ओपन करना है। जो स्टेलस आरमैक्स अगर आप इंस्टॉल करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आ जाता है, राइट। अभी इसके अंदर तीन देख सकते हो प्लगइन्स हैं, सेग है और सेग कन्वर्टर है। तो हमें यहाँ पे लाइब्रेरी इसके अंदर पुट करना है, तो हमको ओपन करना पड़ेगा बीच वाला सेग। सेग ओपन करने के बाद यहाँ देखो हमारे पास दो ऑप्शंस मिलते हैं, सेग लाइब्रेरी और स्टेलस आरमैक्स, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो लूप है उसके अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे हम लूप के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास स्टेलस आरमैक्स फुल लाइब्रेरी यहाँ पे जो है देख सकते हो लिखा हुआ है, इसको ओपन करेंगे। और देखो यहाँ पे सबसे पहले सेग लिखा हुआ था और सेग लाइब्रेरी है, तो हम सेग लाइब्रेरी के अंदर इंटर करेंगे। इसके अंदर इंटर किया तो यहाँ भी हम सेग लाइब्रेरी के अंदर इंटर करेंगे, और यहाँ पे देखो दो ऑप्शंस यहाँ भी मिल रहे हैं, ये मेरा लाइब्रेरी जो ऑलरेडी डाउनलोड हुआ था वो वाला है, तो आप चाहो तो कैसे परचेज भी कर सकते हो। बेसिकली देखो दोनों में सेम दिख रहा है, बट ये हमारे सी ड्राइव के अंदर पेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो यूज़र लाइब्रेरी के अंदर आपको जाना है यहाँ पे, और इसके अंदर सेग कन्वर्टर का एक ऑप्शन है, इसमें भी यूज़र लाइब्रेरी के अंदर जाना है। और ये देखो मैं इसको एक बार कॉपी करके इसके अंदर डालता हूँ, कॉपी होना चाहिए, मूव नहीं होना चाहिए, देखो कॉपी हो रहा है और कॉपी होने में कुछ समय ले रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो ये लगभग 1 TB से भी ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास लूप है, जो इंडिया में बनने वाले बहुत सारे गाने होते हैं अलग 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 लैंग्वेज के, सारे की लूप्स है यहाँ पे। तो मैं बेसिकली एक एक करके आपको दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे A8A/B ऐसा कुछ, 8/A/B ऐसा कुछ करके मैंने डाला है यूज़र लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, QS5 को ओपन करेंगे फिर से और देखेंगे A8/A और B इसके अंदर कौन सा लूप हमारे पास आता है। तो सबसे पहले आपको नॉर्मली वही काम करना है, QS5 को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करके यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट ट्रैक बनाना है, स्टेलस आरमैक्स बनाना है, ओके करना है। करने के बाद नॉर्मली यहाँ पे एक एडिट इंस्ट्रूमेंट, जैसा कि मैंने पहले बताया था, अगर आप भूल गए तो बैक करके वीडियोस देख लेना। और इस तरीके से ओपन होने के बाद फिर से यहीं पे जाना है, लाइब्रेरी पे जाना है, और यहाँ पे यूज़र लाइब्रेरी के अंदर डाला था मैंने और A&B देख सकते हो, यूज़र लाइब्रेरी के अंदर मैंने डाला था A&B करके। अभी देखिए इंडिया में बने जाने वाले बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, जैसे हर एक अलग अलग लैंग्वेज के, तो ये बेसिकली हिंदी क्लासिकल सॉन्ग्स जो होते हैं उसके लिए रिधम है। तो आप मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ किस तरीके से लगता है सुनने में। ये 8A है और 8B है और ऑल 8 ये BPM के अनुसार। सबसे बड़ी खास बात इसके अंदर ये होती है स्टेलस आरमैक्स के अंदर कि अगर आप टेम्पो चाहो जितना पे सेट कर दो उतना पे ये बजने लगेगा। जैसे मैं इसको टेम्पो डाल देता हूँ 90 पे, ठीक है। तो अभी देखो 90 पे बजेगा ये,
तो ये देखो ना अभी बज रहा है, अभी हम इसको चेंज करके देखते हैं। तो अभी हम इसको कर देते हैं 50 कर देते हैं, एक मिनट आपको पता चल जाएगा कि ये चेंज होता है। जितना पे इस रिदम को सेट कर दोगे उतना पे ये बजेगा, 50 पे सेट करते हैं इसको, अभी बजा के देखते हैं। देखो ये, तो इस तरीके से आप जितना भी रिदम चाहो इसका उतना पे सेट करके बना सकते हो। बेसिकली जो भी रिदम हमारा है ये, जो भी आप डिफॉल्ट सेट कर दोगे उतना पे ही बजने लगेगा। सबसे बड़ी खास बात यही है इसकी, आपको तैयार नहीं करना पड़ेगा एक नया बीपीएम का, यानी कि एक नया टेम्पो, एक नया बीपीएम पे, एक नया जो हमारी होती है स्केल, जैसे 120, 130, 150 इस तरीके से कुछ भी अगर आपका टेम्पो आ रहा हो, नॉर्मली सेट कर देने के बाद ये जो भी हमारी पैटर्न्स होती है उतने पे चलने लगती है। और इसको रिकॉर्ड्स करने के लिए भी मैं बताऊंगा, तो वीडियो को कंप्लीट देखना और बिना स्किप किए देखना। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा यहाँ पे क्या है, ये क्लासिकल सारे हैं जो हिंदी सॉन्ग्स यूज होते हैं हिंदी सॉन्ग्स में, या भी देखते इसको प्ले करके, फिर इनके अंदर हम दूसरा भी डालेंगे उसको भी देखेंगे। इस तरीके से हम बहुत सारे हैं, जब जो भी है सबको देखेंगे एक एक करके, और किस तरीके का लूप है सब कुछ देखेंगे, और पूरा रिदम यहाँ पे हम बना के दिखाएंगे आपको। तो ये देखो सुनने में कुछ अजीब टाइप का लग रहा होगा, तो इसकी टेम्पो बेसिकली फिट नहीं है, इसके कारण ये अभी ऐसा लग रहा है। अभी दूसरा देखते हैं, बाय डिफॉल्ट ये 120 पे अभी बज रहा है इसलिए ऐसा लग रहा है। अभी दूसरा देखते हैं, तो अभी इसको अगर हम ना कितना पे सेट करते हैं, एक मिनट हम इसको करते हैं 95 पे सेट, और देखते हैं कैसा लग रहा है सुनने में इसी सब को। तो ये देख रहे हो अभी जो बज रहा है ये 95 बीपीएम पर बज रहा है, हम इसको 110 करके देखते हैं एक बार, इसको प्ले करते हैं। तो ये देखो ऑटोमेटिकली जितना भी आप बीपीएम सेट बीपीएम यहाँ पे सेव करोगे आप उतना पे ऑटोमेटिकली ये बजने लगेगा। अभी 8 का बी डाल के देखते कैसा लग रहा है, और ये देखो ढोलक वाला है, ढोलक वाला है ये सारा चीज, और तबला वाला भी है। तो 120 110 काफी हाई हो जाता है इसके लिए क्योंकि ये हिंदी का है। तो अभी देखते हैं, ये देखो तबला वाला पिकअप है जो हम लोग पिकअप यूज करते हैं बेसिकली सॉन्ग में, और हम देखते हैं कौन सा है। और ऑल का 84D देखते हैं क्या है,
तो अभी ऐसा लग रहा है सुनने में, अभी हम इसको क्या करेंगे, कट करेंगे और फिर से हम इसको डाल के देखते हैं और चेक करते हैं कि अगर हम इसके अंदर और भी लूप्स ऐड करें तो कैसा लग रहा है। बेसिकली आपको हम ये अभी रिदम बनाने के लिए भी बताएंगे और किस तरीके से रिदम बन पाएगा पूरा कंप्लीट दिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी तक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते समय सेलेक्ट कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन। और यहाँ पे देखो बहुत सारे लूप्स है, तो हम यहाँ पे जो एक गिटार वाला हम डाल के देखते हैं, ये देखो गिटार का लूप्स है। बेसिकली इसके अंदर आप पूरा म्यूजिक तैयार कर सकते हो, इतना लूप है। फिलहाल मैं रिदम का काम कर रहा हूँ तो रिदम वाली सारी चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गिटार लिया यहाँ से और एक ऐड कर लेता हूँ मैं, अरबिक भी है तो अरबिक मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा। और देखो एक बॉलीवुड्स का बीट्स जो है उसको मैं RX को यहाँ पे ऐड करता हूँ, ऐड करा और काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ये, तो टाइम्स लगता है कुछ कॉपी होने में। तो मैं यहाँ पे लाइव सब कुछ दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे DL लूप्स है और जितना भी लूप्स है सबको भी कॉपी करके देखेंगे, ठीक है। देखते हैं ये गौतम ए, इसका जो है गौतम जी का लूप, इसको भी हम कॉपी करते हैं और इनको भी यहाँ से कॉपी कर लिया कुछ इस तरीके से। कॉपी करने के बाद देखो ये कॉपी होना स्टार्ट हो चुका है और पूरा कॉपी होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ सैंपल्स आपको दिखा रहा हूँ, सब मैं कॉपी नहीं कर सकता हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, सब मैं यहाँ से कॉपी करके नहीं दिखा सकता क्योंकि लगभग 1 TB से भी ज़्यादा है, तो लगभग आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा लग जाएगा। यहाँ गिटार का देख सकते हो आप, गिटार का है और इसके अंदर सेक कन्वर्टर्स और हमारी बीट्स जितनी भी है, उसके बाद हिप हॉप रैप म्यूजिक बनाने के लिए और जितने भी मतलब इंडिया में सॉन्ग्स बनते हैं सबके लूप्स अवेलेबल है, ठीक है। एसलेस बेस ढोलक है, तो हम बेसिकली जो क्लासिकल टाइप के हैं उनको ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ से ऐड करा और अभी पूरा नहीं करेंगे, रोक के रखेंगे हम इनको और देखेंगे। सी अभी सी माइनर का ढोलक है, तबला है, ये सारी चीज़ें हैं और सब पूरा आप कंप्लीट यहाँ से देख लो, जो यहाँ पे दिखेगा कुछ ही मैं ऐड करके दिखाऊंगा, बाकी आप खुद देख लेना, ठीक है। इंडियन क्लासिकल का एक है तो मैं इनको ऐड कर लेता हूँ। और इंस्ट्रूमेंट जो हमारे होते हैं, जो बेसिकली प्ले होते हैं इंस्ट्रूमेंट पैड और ये सारी चीज़ें, कैसियो टाइप की आवाज़ और पियानो टाइप की आवाज़, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर है ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ। तो इसको डायरेक्टली आपको कॉपी करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके रिदम बनाना है। अभी जो मैं इसमें ऐड करूँगा इसके बाद मैं आपको पूरा रिदम बना के दिखाऊँगा, ठीक है, रिदम किस तरीके से बन पाएगा। तो एक लूप्स यहाँ पे हम देख लेते इसके अंदर है, तो अगर नहीं हुआ तो फिर हम चेंज करके देखते, ठीक है। आर नहीं, इसके अंदर बैक आएंगे और एक्स ये वाली लाइब्रेरी में तो होगा ही नहीं, तो यूज़र लाइब्रेरी सेग लाइब्रेरी के अंदर नहीं था, सेग के अंदर देखते हैं। सेग के अंदर यहाँ पे सेग लाइब्रेरी है और सेग लाइब्रेरी में फिर से यहाँ पे यूज़र लाइब्रेरी है, तो यूज़र लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे और आर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो रीजन का भी लूप है और मतलब इंस्ट्रूमेंट्स की जितने भी लूप्स होती है, रिदम गिटार है, रिदम गिटार को भी लूट्स ऑफ इंडिया है, मतलब जितना भी आप लूप समझ सकते हो, म्यूजिक बनाने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होती है, जितने भी लूप्स होती है, सब कुछ इसके अंदर है, सिर्फ आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। कॉपी करके पेस्ट करना है इसके अंदर, तो जो हमारे हार्ड डिस्क के अंदर है, तो पूरा अभी मैं कॉपी नहीं कर सकता हूँ, उतना ज़्यादा जगह भी नहीं है इस सिस्टम के अंदर जिस पे मैं वीडियो बनाता हूँ। तो एक सेकेंड, कुछ कुछ जो है इम्पोर्टेंट मैं उसको कॉपी करके दिखा देता हूँ, जैसे कि आर के लूप एक था, तो ये काफ़ी पॉपुलर लूप है और आर के लूप हमारे पास ये जो है, तो आर के लूप को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और रीजन को मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, रीजन्स के कुछ प्रॉब्लम्स है तो रीजन्स को मैं यहाँ पे नहीं दिखाने वाला हूँ। इसको कॉपी कर लिया और पूरे तबला है और पेटी बेटा है और एंड बहुत सारे भी इंस्ट्रूमेंट्स ऑल भी हैं, जैसे मल्टी वेस्टर्न लूप्स भी है, देख सकते हो वेस्टर्न लूप्स करके हैं, म्यूजिक इंडिया है, गरबा लूप्स है और इस तरीके से बहुत सारे लूप्स है। तो मैं सबको ऐड करके अगर दिखाऊंगा तो लगभग 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे, तो 3-4 दिन लग जाएंगे आप समझ सकते हो, तो एक वीडियोज़ में संभव नहीं है। और आगे भी रिदम की वीडियोज़ खास करके मैं ज़्यादा नहीं बनाने वाला हूँ, इस वीडियोज़ में जो भी होगा
क्लियर हो जाएगा रिदम की सारी चीजें, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा होगा डायरेक्टली मैं बता दूंगा, रिदम पे आप खुद काम कर सकते हो किस तरीके से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाना है, कॉपी करना है, बेसिक वही सारी चीजें होती है। तो मैं उनको दिखा देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट है यहाँ देख सकते हो, उसके बाद इंडियन है और भी बहुत सारे लुप्स यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं सबके ऊपर बात नहीं करूँगा, सबको मैं यहाँ पे टेस्ट नहीं करने वाला हूँ, और जो इम्पोर्टेंट था मैंने उनको टेस्ट कर लिया है। और अगर आप चाहो तो यहाँ देखो, अगर मैं बोला दिखाने लगूँ तो आप समझ सकते हो, एक एक करके अगर मैं दिखाऊँ तो लगभग 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे सब लुप को दिखाने में और फिर इसको इसके अंदर डालने में। डालने में तो कम से कम 24 घंटे लगते हैं, क्योंकि 1 TB से भी ज़्यादा लुप है, तो कॉपी होने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। अभी देख सकते हो आप इतनी ज़्यादा इतनी कम है और फिर भी कॉपी होने में कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो अभी इतने इसमें कितना कितना लूप आ चुका है। आप देख सकते हो आर के लूप हमारे पास इंटर हो चुका है, और अगर आप इसको ओपन करके देखो ना तो ये देखो वायरस फॉर्मेट में दिखेगा। देखो बेसिकली ये बनाया जाता है रेक्स फाइल और इसके अंदर डाला जाता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट है सब में वही बात है, अगर आप इसके अंदर देखो तो ये वायरस टाइप से दिखेगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो मैं आपको इंस्ट्रूमेंट में भी दिखाऊंगा क्या है, और गिटार मैंने इसमें ऐड करा था तो गिटार में भी मैं दिखाने वाला हूँ क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखो मैंने गिटार ऐड करा था, तो गिटार के अंदर भी यहाँ पे देख सकते कुछ भी नहीं है। मैं इसको अगर QS5 या Nindo 4 को ओपन करके आप देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। मैं अभी इतना सारा इसको यूज़र लाइब्रेरी के अंदर डाला था, राइट है, और यूज़र लाइब्रेरी के अंदर ही इतना सारा लुप्स मैंने डाला हुआ है, और ये कॉपी हो रहा है कुछ यूज़र लाइब्रेरी के अंदर से तो अटका हुआ है। मैं इसको प्ले कर देता हूँ 1 मिनट और देखता हूँ कुछ एरर्स आ गए हैं तो मैं रिसॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये बंद हो चुका है कॉपी होना और ये भी नहीं जा रहा है। तो मैं इतने पे आपको दिखा रहा हूँ तब तक, और इसमें कितना ज़्यादा लूप्स आया है और उसको तब तक हम टेस्ट कर लेते हैं, तब तक इनको हम कॉपी होने देते हैं। कुछ ही लूप है अब हमारे पास, अभी मैंने बताया पहले भी कि लूप्स कॉपी होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, लगभग 24 घंटे का समय लेगा ये कॉपी होने में, अगर ये 1 TB है तो। या फिर अगर आप कैसे डाउनलोड कर रहे हो, जैसे डाउनलोड लिंक कोई प्रोवाइड करता है तो वहाँ से डाउनलोड कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो फिलहाल मैं QS5 को ओपन करता हूँ और इसमें जितने सारे लूप्स ऐड हुए हैं मैं उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसको QS5 को ओपन करा, और ओपन करने के बाद देख लेते, 1 मिनट मैं 1 सेकेंड में इनको रोक ही देता हूँ और हार्ड डिस्क को निकालता हूँ थोड़ा देर के लिए। तो इस तरीके से मैं इनको निकाला, और निकालने के बाद फिर से इसमें हम पुट करना पड़ेगा 1 सेकेंड। तो इसको ऐसे प्रोजेक्ट बनाया और हार्ड डिस्क आउट हो चुका है इसके अंदर से, आप देख सकते हो हार्ड डिस्क आउट है, और ये देखो फिर भी नहीं जा रहा है। तो मैं इसके अंदर हार्ड डिस्क इन करता हूँ, अभी हार्ड डिस्क इन हो चुका है, अभी देखते हैं यहाँ पे कब तक आता है। तो ये हार्ड डिस्क आ चुका है, अभी इसे कट करेंगे और अभी इसको प्ले कर देते हैं। अभी हमारा तब तक ये कॉपी होगा, तब तक हम इसको टेस्ट कर लेते। QS5 को मैंने ओपन ही कर लिया है, एड इंस्ट्रूमेंट ट्रैक, और यहाँ पे HLS RMX सेलेक्ट करने के बाद ओके करा। ओके करने के बाद बेसिकली आपको वही काम करना है, HLS RMX पे जाना है, और जाने के बाद ये जैसे ही ओपन होगा मैं फिर आपको दिखाता हूँ, और अभी मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इसको रिदम को तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ फाइल इस पर क्लिक करके लाइब्रेरी के अंदर जाना है, और यहाँ पे यूज़र लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पे जो अभी मैंने ऐड करा है वो सारा लूप है। तो आर के लूप को हम प्ले करके आपको दिखा रहे हैं, ये देखो आवाज़ सही से जा रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम्स आया हुआ है सिस्टम में। मैं बेसिकली यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ, आप खुद बाय खुद देखते रहना जो आपको अच्छा लगे, मैं प्ले करके दिखाते रहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर बोलता हूँ तो यहाँ पे वॉइस गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, तो आप देखते रहो।
ये देखो। दूसरा देखते हैं, इस तरीके से अगर मैं इसको प्ले करके दिखाऊं तो भी ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ कुछ दिखा देता हूं आप लोगों को। अभी जो बज रहा है 110 के बीपीएम पर बज रहा है, अगर आप चाहो तो यहां डायरेक्टली चेंज करो, ये लूप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अभी देखते हैं, ठीक है, अभी दूसरा देखते हैं। इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हो 35 तक है, तो डायरेक्टली हम 35 वाले को प्ले करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। चलो, इसके अंदर मैंने बहुत सारा टेस्ट कर लिया है अब, और आप लोगों ने भी देख लिया। अभी हम इनको रोकते हैं और दूसरा देखते हैं। अभी इंस्ट्रूमेंट जो मैंने इसके अंदर ऐड करा था उस पे जाते हैं, तो मैं इंस्ट्रूमेंट पे गया और यहाँ देखो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। तो देखो काफी अच्छा, बट ये ज्यादा वॉयस नहीं दे रहा है, तो आपको बेसिकली मास्टरिंग अभी अगर ज्यादा सुनाई नहीं दे रहा हो ये सब जो मैं ये प्ले कर रहा हूँ, अगर आपको ये लग रहा हो कि वॉइस इसकी थोड़ी डाउन है और कम कम सुनाई दे रहा हूँ ये सारे लूप्स आपको, तो बेसिकली ये लूप को आप पहले अगर आप साउंड में डाल के यहाँ से ऐड करके रिदम तैयार किया जाता है, फिर इसकी मास्टरिंग करके इसकी आवाज़ को बनाया जाता है, आवाज़ को ज़्यादा बेहतर बनाया जाता है। ठीक है, तो एक सेकेंड हम क्या करेंगे, कंट्रोल डिवाइस के अंदर जाके इनको सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार, और फिर देखते हैं अगर वॉइस थोड़ा भी बढ़ने का होगा तो बढ़ सकता है, बाय डिफॉल्ट यहाँ से ऐसे ही रहेगा। अभी देखते हैं, सही है। अभी आरके लूप को हम प्ले करके देखते हैं कैसा लग रहा है। आपने देखा बाय डिफॉल्ट वहां से कुछ प्रॉब्लम्स आ गया था, जिसके कारण ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स कर रही थी और वॉयस काफी कम लग रहा था सुनने में। अभी देखते हैं इसका लूप कैसा लग रहा है। तो बीपीएम जो सही नहीं रहेगा यहाँ पे, अगर बीपीएम सही नहीं रहेगा जब आप डमी लेते हो उसके अकॉर्डिंग इसको सेट करना पड़ता है, जितने भी बीपीएम पर ये रहता है। तो बेसिकली अभी हम 112 पे ऑटोमेटिकली बजा रहे हैं सभी को, तो इसलिए ऐसा लग रहा है सुनने में। अभी देखो यहाँ पे और भी बहुत सारा है, गौतम वाले को एक बार प्ले करके देखते हैं और एक बार इंडियन क्लासिक को भी हम देख लेंगे। सही है, अभी हम एक बार इनको इंडियन क्लासिक को टेस्ट कर लेते हैं कैसा है। और इस तरीके से आपको पता होना चाहिए किसके अंदर क्या चीजें हैं, तभी आप बना पाओगे। तो
बहुत सारे लूप सब लेवल है यहाँ पे देख सकते हो। अब बात करते हैं इसको, तो यहाँ पे अभी कॉपी नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स के कारण ये फंसा हुआ है, तो हम इसे कट ही कर देते हैं। एस कट करा इनको मैंने, और कट करने के बाद हार्ड डिस्क को भी मैं निकाल देता हूँ अभी आउट। और यहाँ पे करते हैं क्या, अभी सबसे पहले इनको, पहला जो हमारा है तरीका यहाँ पे इसको बनाने का, रिदम बनाने का, वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ से आप जिस तरीके से मैंने बताया था शुरू में, किस तरीके से आप यहाँ पे ट्रैक ऐड कर सकते हो स्टीलस आरएमएक्स का, आप चाहो तो 10 ट्रैक बना लो। 10 ट्रैक बनाने के बाद आप क्या करो, नॉर्मली यहाँ से देखो प्ले कर, ये रिदम जैसे मुझे लेना है, ठीक है। तो अभी मैं इसका बीपीएम सबसे पहले सही करता हूँ प्ले करके। जैसे 116 बीपीएम पे स्केल जो हमारा है सॉन्ग का, अभी मान चलो मैंने ऐसे टेस्ट कर रहा हूँ और मैं 116 पे ये सही जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इनको सिलेक्ट करा, और यहाँ देखो एक जहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन से यहाँ दिख रहा है, इस पर नॉर्मली आपको क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ पे प्रेस करके माउस कर्सर को डायरेक्टली इस तरीके से घसीटना है यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे जाके छोड़ देना है एस्टलस आरमैक्स के ऊपर जाके छोड़ना है आपको, ध्यान देना है। और ये कुछ इस तरीके का आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अभी आप चाहो तो इसे कट भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और कट करने, क्योंकि मैं यहाँ पे एक ट्रैक बनाया हूँ, अगर आप चाहो 10 ट्रैक बनाए हो तो 10 का पहले इस्तेमाल करना, ठीक है। मैं इसको कट करता हूँ एक सेकेंड के लिए, आपको दिखाता हूँ पूरा कंप्लीट ये कैसे हो पाएगा। कट करा अभी, अभी क्या करना है मुझे, इस पर टिक करता हूँ मैं एक सेकेंड, यहाँ से टिक करा और इसको छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद यहाँ देखो मैं इसको आगे की ओर लेता हूँ, और इनको सबसे पहले तो हम बीट पे लेंगे, बीट पे आ गया है। अभी हम कंट्रोल डी जब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा, देख सकते हो बढ़ रहा है, इस तरीके से आप पूरा बढ़ा सकते हो, ठीक है। पहला ट्रैक में मैंने इस तरीके से बढ़ाया, और मैं इनको प्ले करके दिखाता हूँ कैसा लग रहा है सुनने में। ढोलक ढोलक और तबला दोनों है इसके अंदर, और देखते हैं डफ भी है लग रहा है, प्ले करके देखते हैं पूरा। देखो इसके अंदर कोई भी सॉन्ग्स, अगर 116 बीपीएम पर कोई भी सॉन्ग हो तो वो प्ले हो जाएगा। और इसके अंदर अब एक हमारा इंस्ट्रूमेंट प्ले होगा, और दूसरा हमारा इसके अंदर एक पिकअप लगेगा, बस तैयार है। अगर आप चाहो एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट ऐड करना तो वो भी इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ से बहुत ही आसानी तरीका से ऐड कर सकती हो। तो चलिए मैं इनको प्ले करके दिखाता हूँ यहाँ से, चलिए प्ले करता हूँ। तो ये देख सकते हो नॉर्मली एक ही जैसा बज रहा है ना। तो अभी बीच बीच में यहाँ पे पिकअप लगेगा। पिकअप क्या होता है, पिकअप बेसिकली होता ये है कि यहाँ मैंने ऐड इंस्ट्रूमेंट ट्रैक करा, सॉरी मीडी हो गया है, तो मीडी यहाँ पे मैं प्ले नहीं करने वाला हूँ, तो मैं मीडी की वीडियोस बहुत अभी नहीं लाऊंगा, थोड़ी सी लेट से आने वाली है। तो यहाँ स्टेलस आरमिक्स पे क्लिक करा और ओके करा। ओके करने के बाद फिर से यहाँ पे मुझे स्टेलस आरमिक्स को ओपन करना पड़ेगा, तो मैंने स्टेलस आरमिक्स को ओपन करा। फिर से यहाँ पे जाना है, लाइब्रेरी के अंदर जाना है, और पिकअप में खोजता हूँ कहाँ पे है, तो यूजर लाइब्रेरी के अंदर ए एंड बी था सिलेक्ट, तो यहाँ पे पिकअप करके होगा। ये देखो काफी अच्छा पिकअप है, और जो दोनों का मिक्स पिकअप है काफी अच्छा लग रहा है सुनने में। तो अभी हम इनको क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे डाल के देखते हैं एक मिनट, ठीक है। तो एक सेकेंड हम इनको डिलीट कर लेते हैं एक मिनट के लिए, और इसको हम ना पहले तो बीट पे लेंगे एक सेकेंड, बीट पे नहीं जा रहा है जिसके कारण प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये देखो अभी जब जाएगा ये तो बीट पे जाना चाहिए, ठीक है। जैसे तीन तीन बार बजा धान दिन, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ एक सेकेंड, और अब मैं प्ले करके दिखाता हूँ।
देख सकते हो इसके अंदर मैंने दो का ट्रैक बनाया हुआ है, और मैं इसके अंदर ज़्यादा लूप भी यहाँ पे ऐड नहीं किया हूँ, जिसके कारण यहाँ पे मैं ज़्यादा ट्रैक नहीं बनाऊँगा और ज़्यादा रिदम बरा करके नहीं दिखाऊँगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आप चाहो रिकॉर्ड करना इशलेस आरएमएक्स के लूप को रिकॉर्ड करना, तो वो किस तरीके से कर पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रोसेस तो हमारा ये हो गया कि अगर आप रिदम बना रहे हो तो रिदम बनाने का पहला प्रोसेस हमारा होता है यही कि जैसे कि मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाला, एस्टेलस आरएमएक्स के इंस्ट्रूमेंट ट्रैक बनाया और फिर मैंने इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे डाल दिया सबको एक एक करके। तो अभी देखते हैं ये पूरा हमारा यहाँ तक बन चुका है। तो पहला हमारा ये तरीका हो जाता है कि हम इनको क्या करें, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब जितना भी आप ट्रैक बनाओ 10-15 जितनी भी आपकी इंस्ट्रूमेंट ऐड करनी हो रिदम के अंदर म्यूजिक के अंदर, पूरी कंप्लीट आप एक एशलेस आरएमएक्स की ट्रैक इंस्ट्रूमेंट ट्रैक इस तरीके से जब आप यहाँ ट्रैक बनाते हो ऐड इंस्ट्रूमेंट ट्रैक, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप सिलेक्ट कर लो जितनी भी आपकी मर्जी है 10-15 जितनी भी ट्रैक चाहिए। उसके बाद इस तरीके से क्लिक करके यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऊपर से लेकर नीचे तक 10 ट्रैक बन जाएगा और आप रिदम पूरा जितना भी आपका हो, जो जो भी आप इंस्ट्रूमेंट लगाना चाहो रिदम के अंदर, आप सेलेक्ट करके लाइब्रेरी के अंदर से, लाइब्रेरी जब आप इनपुट करोगे एशलेस आरएमएक्स के अंदर, अगर आप लाइब्रेरी डालोगे तो लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली क्या होगा आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही लाइब्रेरी आएगा फिर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके डालना हो तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसके अंदर डाल सकती हो, ठीक है। और यहाँ से देख सकते हो, फिर मैं इसको एक मिनट टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं ये ओपन करा और ये भी तीसरे ट्रैक पर ऐड करना है मुझे, तो तीसरे ट्रैक को ऑन करा, यहाँ पे गया और क्लिक किया और ये देखो, और यहाँ से फिर से यूज़र लाइब्रेरी के अंदर गया। अब मान चलो मुझे इंस्ट्रूमेंट लगाना है, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट पे गया और ये भी देखता हूँ प्ले करके, तो ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसको देखता हूँ गिटार वाला इसके अंदर आया था या नहीं, वो गिटार आया हुआ है, तो अभी देखते गिटार प्ले करके इसके अंदर। तो ये देखो गिटार का वॉइस जो है काफी अच्छा है। ये दूसरा गिटार मैं इसको प्ले करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। और एक बात जान लो आप, ये गिटार भी 116 के बीपीएम पर अभी बज रहा है। आप अगर यहाँ से चेंज करोगे बीपीएम को तो ये गिटार भी बेसिकली उतना ही बीपीएम पर बजेगा। तो अभी मैं इसको ऐड करके दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करा ड्रैग एंड ड्रॉप करके, जहाँ भी आपका मन करे वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ दो, ठीक है। तो मैं देखता हूँ रिदम के साथ बज रहा है या नहीं। तो अगर आप चाहो तो देखो मैं इसको आगे से लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट इनको मैं डालता हूँ गिटार को ही, एंड दूसरी बार मैं इसको कंट्रोल डी करूँगा तो ये गिटार आगे तक जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से प्ले हो। देखो तो ये देखो, यहाँ से हमें थोड़ी सी कम चाहिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ तक ही रखना है, तो यहाँ तक आपने कर लेना है। तो बेसिकली इस तरीके से बनता नहीं है, बस मैं आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं तीसरा गिटार आपको दिखाता हूँ, चौथा पांचवा भी मैंने देख लिया, काफी तो काफी अच्छे अच्छे साउंड्स दिए हुए हैं इसके अंदर ऑलरेडी। बेसिकली आपको लाइब्रेरी को इसके अंदर पुट करना पड़ता है, ठीक है, और बस इतना सा ही काम करना है, लाइब्रेरी को इसके अंदर पुट करना है और ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लाना है। रिकॉर्ड कैसे किया जाता है वो भी आप देख लेना, मैं वीडियो इसका इसी में डाल दूंगा और आगे मैं बता देता हूँ किस तरीके से रिकॉर्ड हो पाएगा। तो बेसिकली आप अगर चाहो तो इस तरीके से नॉर्मल तरीके से, जैसे कि अभी दिखाया मैंने, इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक पूरा रिदम तैयार कर सकते हो और एस्टेलस आरएमएक्स के जरिए पूरा एक म्यूजिक तैयार कर सकते हो, पूरा नया म्यूजिक तैयार कर सकते हो, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। और आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं बताऊँगा किस तरीके से मैं इनको रिकॉर्ड किया रहूँगा। बेसिकली रिकॉर्ड करने का मैं बता देता हूँ अभी, और मैं जैसे कि इसको रिकॉर्ड करूँगा, जो भी लूप हमारा होता है उनको मैं रिकॉर्ड करूँगा, और रिकॉर्ड करने के बाद बेसिकली मैं पहले से रिकॉर्ड कर लूँगा, क्योंकि अगर लाइव मैं रिकॉर्ड करके दिखाऊँ तो लगभग 3-4 घंटे लगते हैं एक म्यूज़िक तैयार करने में, तो मैं पहले से रिकॉर्ड करके रखूँगा। अब जैसे ये रिकॉर्ड हो जाता है, जैसे मान चलो ये रिकॉर्ड है हमारा,
तो इस तरीके से मैं यहाँ पे एक मिनट डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट। अरे यार, यहाँ से जैसे कि मैं यहाँ से लेके इसको रिमूव कर लेता हूँ एक सेकेंड, और यहाँ पे मैं एक ऐड स्टूडियो ट्रैक करता हूँ, स्टूडियो ट्रैक ऐड करा, और यहाँ पे मान के चलो ये रिकॉर्ड हो रहेगा, ऊपर करता हूँ तो यहाँ देखो इस तरीके से मान के चलो ये रिकॉर्ड रहेगा इतना। और इसमें कौन सी ऐसी इफेक्ट लगाएं ताकि, अभी देखो ये म्यूजिक हमारा सुनने में बहुत ही सिंपल लग रहा है और कुछ ज़्यादा इसमें लग नहीं रहा है म्यूजिक तरीके का, तो कितनी आवाज़ इसकी माइनस में डालनी है, किस तरीके से इसकी मास्टरिंग हो पाएगी म्यूजिक की, और किस तरीके से इनका पूरा कंप्लीट काम जो हमारा होगा तमाम हो पाएगा, यानी कि जितनी भी मिक्सिंग मास्टरिंग होगी इस म्यूजिक की, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो इस तरीके से रिकॉर्ड मैं कर लूँगा, रिकॉर्डिंग भी मैं बताऊंगा। मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके नहीं बनाता हूँ, मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको दिखाया हूँ। बेसिकली मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसलिए दिखा दिया ताकि आपको आसान हो और आप कर पाओ। अब चलिए देख लेते हैं किस तरीके से रिकॉर्ड कर पाते हैं। तो रिकॉर्ड अगर आप करना चाहो इस एस्टलेस आरएमएक्स से, तो सबसे पहले आपको इसे रिमूव करना पड़ेगा। सबको हम रिमूव कर लेते हैं एक एक करके, तो यहाँ से मैंने रिमूव करा इसको, एक एक करके सबको रिमूव कर लेते हैं और फिर देखते किस तरीके से रिकॉर्ड हो पाएगा। तो एक एक करके सबको रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करा पूरा, आई होप आप रिदम के बारे में समझ गए होंगे और रिदम किस तरीके से बनता है वो भी समझ गए होंगे। और इसको मैंने रिमूव करा, इसको भी मैंने रिमूव करा, इसको भी मैंने रिमूव करा, और इसको भी मैंने रिमूव करा। तो स्टेलस से आपको रिकॉर्ड करने के लिए फर्स्ट आपको एक इंस्ट्रूमेंट ट्रैक जो मैंने बताया था स्टेलस आरमैक्स, तो वो तो बनाना ही है, तो इस तरीके से आप बना लेना। और एक यहाँ पे ऑडियो ट्रैक बनाना है स्टीरियो का, और एक ग्रुप बनाना है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कुछ इश्यूज आ गए थे तो जिसके कारण वो कट गया था, अभी एक ग्रुप बनाना है। ग्रुप को आपको फिर से इस तरीके से क्लिक करना है, ग्रुप में कुछ नहीं करना है, एस्टलेस आरमिक्स पे आपको आउटपुट जो लगाना है ग्रुप से रिकॉर्ड करने के लिए। ये देखो फर्स्ट ये समझने वाली बात है, ग्रुप से रिकॉर्ड करने के लिए एस्टलेस आरमिक्स यहाँ पे दिख रहा है, इसकी ई पैनल एडिट आउटपुट सॉरी एडिट चैनल सेटिंग को ओपन करना है। और यहाँ देखो सबसे यहाँ जहाँ पे आप कट करते हो इसके नीचे एक स्टूडियो आउट रहता है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ देखो ग्रुप फर्स्ट रहेगा जो मैंने ग्रुप बनाया था, उस पर क्लिक करना है, तो ये हमारा ग्रुप से रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है। और एक और हमारे जहाँ ग्रुप में रिकॉर्डिंग करना है, ठीक है, तो हमारे स्टूडियो पर रिकॉर्डिंग करना है, तो स्टूडियो पर गया और स्टूडियो का एडिट चैनल सेटिंग को ओपन करा, और यहाँ पर भी स्टूडियो आउट पे आपको क्लिक करके ग्रुप इन करना है, ठीक है। ग्रुप फर्स्ट यानी कि ग्रुप फर्स्ट से हमें रिकॉर्डिंग लेना है, और तो यहाँ से हम इसको प्ले करके यहाँ पे रिकॉर्ड करके देखते हो पाता है या नहीं। तो इंस्ट्रूमेंट हमारा था स्टेलस आरएमएक्स का, और कितना हमें चाहिए है एक मिनट वो हम देख लेते हैं। तो या इस तरीके से आप चाहो तो मैं यहाँ पे और दिखा देता हूँ एक सेकेंड, जैसे मैंने यहाँ पे 5 बना लिया, एक सेकेंड 7 ऐड कर दिया, और यहाँ पे ग्रुप तो सबका वही है, ग्रुप 1 से ही अगर रिकॉर्डिंग करना है सब में तो वो भी हो जाएगा, अगर ग्रुप 2 से रिकॉर्डिंग करना है तो ग्रुप फर्स्ट हमारा था, ठीक है, तो ग्रुप फर्स्ट में मैंने आउट लगाया था, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ, ठीक है, तो ग्रुप फर्स्ट हमारा रिकॉर्ड लेगा अभी, तो ग्रुप फर्स्ट को ऊपर की ओर लेते हैं 1 नंबर पे, और यह भी रिकॉर्ड करके देखते हैं ग्रुप फर्स्ट में रिकॉर्ड हो पाता है या नहीं। तो हम यहाँ पे गिटार को रिकॉर्ड करके देखते हैं, तो यहाँ पे गिटार के अंदर गया और प्ले करता हूँ और रिकॉर्ड करता हूँ। सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं ले रहा है। तो सबसे पहले एक चीज हम काम करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑडियो जो हमारा है ऑडियो इंटरफेस वो इसमें सिस्टम में नहीं लगा हुआ है, तो हम दूसरे तरीका से देखेंगे। डिवाइस सेटअप के अंदर जाएंगे, VST ऑडियो सिस्टम्स के अंदर यहाँ पे ASIO4 सिलेक्ट है, तो ASIO4 4 ऑल सिलेक्ट करना है, जो ड्राइवर है इसका लैपटॉप वाला ड्राइवर मैंने सिलेक्ट करा। और यहाँ पे मैं अभी स्टीरियो फर्स्ट यानी ग्रुप सॉरी फर्स्ट ट्रैक पे इसको एस्टलेस आरमिक्स से रिकॉर्ड करके देखता हूँ। तो एक हमारा स्केल जो हमारा था सही है, एक मिनट, और हम यहाँ से रिकॉर्ड कर लेते, एक छोटा सा बना लेते हैं कितना रिकॉर्ड करना है, यहाँ से रिकॉर्ड करेंगे और मैं इसको प्ले करता हूँ और फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ, एक मिनट, सही है। बट अभी अगर ऐसा आप देख रहे हो तो वॉइस काफ़ी कम आएगा इसका, ठीक है, क्योंकि
ASIO 4 मैंने पहले बताया था, उसमें ज्यादा वॉयस आ रहा था और इसमें कम आ रहा था, तो इस तरीके से वॉयस कम आएगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, मैंने यहां से रिकॉर्ड को रोका और अगर आप चाहो तो इतना रिकॉर्ड कर लिया है इसके अंदर। अब दूसरे आउटपुट्स जैसे स्टूडियो 2 है यहाँ पे दूसरा ट्रैक, इस पे अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो फिर से ग्रुप फर्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ग्रुप फर्स्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मान चलो हमें रिदम रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पे टिक टिक करा और ए एंड बी सिलेक्ट करा और यहाँ से रिदम सिलेक्ट करता हूँ। तो रिदम का आवाज बहुत ही कम आ रहा होगा आप लोगों को, उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ ड्राइवर चेंज है, बट रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इनको प्ले करता हूँ और देखता हूँ। तो ये हमारा दूसरा भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है, दूसरा भी रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो दूसरा भी रिकॉर्ड हो चुका है, राइट। तो अभी इनको हम देख लेते कैसा लग रहा है। जाहिर सी बात है क्योंकि ये हमारा जो है अभी मास्टरिंग नहीं हुआ है तो अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। और मैं इसका कलर डाल देता हूँ, इस तरीके से कलर डाल सकते हो। फिर से तीसरा ट्रैक पे आपको रिकॉर्ड करना है, फिर से यहाँ वही काम करना है, ग्रुप सिलेक्ट करना है और स्ट्रेस आरमेक्स को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद तीसरे ग्रुप को, तीसरे ट्रैक को सिलेक्ट करना है और जो भी आपका रिदम हो इंडियन क्लासिकल, मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ फिर आप दूसरा, अगर आप आर के लूप सिलेक्ट करना चाहो तो इसको भी कर सकते हो। बढ़िया वाला देखता हूँ मैं, काफी अच्छा लूप है बट इसका बीपीएम सही नहीं जा रहा है। अगर आप चाहो तो यहाँ से बीपीएम चेंज कर लेना, यहाँ से बीपीएम चेंज करके इसका रिकॉर्डिंग करना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं फिलहाल अभी चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। तो ये देख सकते हो रिकॉर्डिंग बहुत ही आसानी तरीके से लेगा। ये प्ले करता हूँ, साइड करता हूँ इनको, रिकॉर्ड करता हूँ। तो ये रिकॉर्ड हो चुका है, देख सकते हो। अब मैं दूसरा भी रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ आपको। तो आगे हम एक और इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे बॉलीवुड वाला ऐड कर लेते हैं एक, देख सकते हो। सही है, थोड़ी सी आवाज कम आ रही होगा आप लोगों को, तो यहाँ से मैं इनको रिकॉर्ड करता हूँ। चलिए मैं इनको प्ले करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ। एक चीज और, अगर आप ग्रुप, एक ही ग्रुप से सब में रिकॉर्डिंग लगाओगे तो खराब हो जाएगा। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, यहाँ देखो जैसा कि ये ऊपर वाला जितना भी वॉइस था वो इसके अंदर आ चुका है। जाहिर सी बात है कि इसका वॉइस इसके अंदर आया होगा, इसका वॉइस भी इसके अंदर आया होगा, इसका वॉइस पूरा इसके अंदर, तीनों का वॉइस आ चुका है। तो एक काम कर सकते हो, ग्रुप अलग अलग बना सकते हो। जैसे कि ग्रुप यहाँ पे एक बना हुआ है तो इसके जगह पे ग्रुप 2 बनाना। जैसे मैं यहाँ पे ग्रुप 2 सिलेक्ट कर लिया, ग्रुप दूसरा यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट हो गया और दो ग्रुप और ऐड होगा, देख सकते हो दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप। तो दूसरे में हमारे पास यहाँ पर हम अगर रिकॉर्डिंग करें तो दूसरा ग्रुप से रिकॉर्डिंग करना, ठीक है। दूसरा ग्रुप से रिकॉर्डिंग करोगे अगर आप, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ टेस्ट के लिए, मैं यहाँ यहाँ दूसरा ग्रुप से रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। दूसरा ग्रुप लगाया यहाँ पे और दूसरा ग्रुप से यहाँ पे रिकॉर्डिंग करता हूँ, देखना। दूसरा ग्रुप से रिकॉर्डिंग करेंगे और कोई भी यहाँ पे ऊपर की आवाज़ रिकॉर्ड्स नहीं होगा, देखते हैं होता है या फिर नहीं होता है। तो ओपन करा और चौथा ट्रैक ही था और इस पे रिकॉर्ड करता हूँ मैं। तो बाय डिफॉल्ट एक प्रॉब्लम्स आ रहा है यहाँ पे, वो ये कि इसके अंदर साउंड कार्ड्स नहीं लगा हुआ है, ऑडियो इंटरफेस नहीं लगा हुआ है, जिसके कारण प्रॉब्लम्स आ रहा है।
तो आप ऑडियो इंटरफेस लगा के रिकॉर्डिंग करोगे तो आई होप हो जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी तरीके से। अब बचा बात कि रिदम को आप सेट किस तरीके से कर सकते हो, तो रिदम अगर आप बैठाना चाहो, बीट्स बनाना चाहो, तो वो खुद अपने दिमाग लगानी पड़ती है, वो उसकी कुछ भी ट्रिक्स नहीं होती है। बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके रिकॉर्ड करना हो या फिर इस तरीके से रिकॉर्ड करके बीट बनानी हो, रिदम बनानी हो, दोनों तरीके से आप एस्टलेस आरमिक्स के अंदर रिदम को तैयार कर सकते हो। आगे आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा किस तरीके से इसकी मास्टरिंग हो पाएगी ट्रैक की, एंड और भी बहुत कुछ जिस जो इसकी बेसिक सारी चीज़ें होती है ट्रैक ट्रैक से संबंधित। तो फिलहाल इस वीडियोस में आई होप आप समझ गए होंगे म्यूजिक का रिदम किस तरीके से तैयार होता है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का म्यूजिक का रिदम हो, सारे का रिदम इसी तरीके से तैयार होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते समय सेलेक्ट कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।
तू।